अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू निशाल ब्यूटी चैनल। आज की मेरी वीडियो है आई लैश ग्रोथ सीरम पर। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। जैसा कि आजकल थिक आईब्रोज और लॉन्ग आई लैशेज फैशन में इन है, जिन लोगों की आईब्रोज बारीक और पलकें हल्की होती हैं तो उनके लिए बताऊंगी मैं आज आसान सोल्यूशन। जैसे कि मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं आई लैशेज के लिए जिनमें नुकसानदेह केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, आज मैं आपको बताऊंगी नेचुरल अज्जा से आई लैश ग्रोथ सीरम बनाने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आई लैशेज ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हों तो आप इस आई लैश सीरम को ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम यूज़ करेंगे कैस्टर ऑयल, विटामिन ई के कैप्सूल, रोगन ए बादाम और एर्गन ऑयल। अब मैं आपको बताऊंगी आई लैश सीरम बनाने का तरीका। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून, आधा खाने का चम्मच रोगन ए बादाम, एक टेबल स्पून एक खाने का चम्मच कैस्टर ऑयल। आर्गन ऑयल आधा चाय का चम्मच। और आधा चाय का चम्मच विटामिन ई कैप्सूल। अब हम इन तमाम ऑयल्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये आपको इस फॉर्म में मिलेगा। अब ये सीरम अप्लाई करने के लिए रेडी है। आप ये सीरम बनाकर किसी भी मस्कारा की बोतल में या ग्लास एयर टाइट बोतल में रख सकते हैं और मस्कारा ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी एप्लीकेशन कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। आप इसको रात को सोने से पहले अपनी पलकों पर मसाज करेंगे या मस्कारा ब्रश से अप्लाई करेंगे और मसाज हमेशा हल्के हाथ से करेंगे। जितना भी पॉसिबल हो आप अपनी आंखों पर नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। इस सीरम को मैंने खुद भी ट्राई किया, इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसको यूज़ करने से आपको ब्यूटीफुल लॉन्ग एंड थिक आई लैशेज मिलेंगी। इसमें तमाम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ की गई हैं, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इसे डेली अप्लाई करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। ईजी टू यूज़ है ये सीरम। और अगर आपको ये सीरम अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।